अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे जी बना रही हूँ खाना, और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे लगता है कि शायद 3-4 महीने हो गए हैं मैंने कढ़ी पकौड़ा गर्मियों में ही बनाया था। अब सर्दियाँ आई हैं जब से, तो ना पकौड़े बनाए हैं और ना कढ़ी पकौड़ा बनाया है। तो आज दही भी था घर में, तो मैंने सोचा चलें जी आज बनाते हैं कढ़ी पकौड़ा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिया दही, तकरीबन 2-2.5 कप मैंने दही लिया है, और बेसन भी मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। छोटे वाला चम्मच है खाने वाला, तो वो मैंने लिए हैं जी। इसके 5-6 चम्मच मैंने लिए हैं जी बेसन के। और लोग, बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, पहले कोई तड़का लगा के बनाता है, या फिर कोई इसमें लहसुन टमाटर सब कुछ डाल के, तो मैं कभी उस तरह भी बना लेती हूँ कभी इस तरह भी। लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि भाई बड़ा सिंपल करो खाने को, अदरक लहसुन पीसना और टमाटर शमाटर ये वो मैं इस पर नहीं करती, क्योंकि दही बनता है ज़्यादातर बेसन के साथ। हाँ, अगर डालना है तो तड़के में डाल लो, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती। मैं ऐसे सिंपल ही बस हल्दी, नमक, मिर्च, बेसन दही में घोल के और वो चढ़ा देती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा जी, विस्क की मदद से अब अच्छी तरह से इसको फेंट लूँगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ना पानी थोड़ा सा डाला था, उसके बाद फिर से उसको विस्क की मदद से फेंटा है, और इसमें और खूब सारा पानी जाएगा। तकरीबन 2-2.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाला था। अच्छा, जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आ जाता ना, तो मैं इसको हिलाती रहती हूँ। जब वो अच्छी तरह से एक उबाल आ जाता है, फिर मैं उसको हल्की आँच पर छोड़ देती हूँ। अच्छा, पहले ना मैं बड़ी फटाफट से कढ़ी बना लेती थी, तो मुझे हर कोई कहता था हम तो बहुत देर पकाते हैं, आप बहुत देर नहीं पकाती। तो उसके बाद फिर मैंने भी ज़्यादा देर पकानी शुरू कर दी, क्योंकि मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना, मुझे आती ऐसी कढ़ी नहीं बनती, ऐसी नहीं बनती। तो देखें, सबका अपना अपना तरीका होता है। मे बी आप मेरे तरीके से ना चलती हूँ, मैं आपके तरीके से ना चलती हूँ, हर इंसान डिफरेंट होता है। अच्छा जी, यहाँ पर पकौड़ों का मैं बैटर बना रही हूँ, और मैं पकौड़ों में ना प्याज और आलू ज़रूर डालती हूँ, साथ ही मैंने बेसन डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया और क्रश करके, कसूरी मेथी डाल दी, सब्ज़ धनिया डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली है, हल्दी डाल दी है और कुटी मिर्च भी डाली है। इसमें मैं थोड़ा सा ना चक्की वाला आटा भी ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे ना बड़े क्रिस्पी से बन जाते हैं ना पकौड़े। अच्छा, कुछ लोग ना बिल्कुल ही कुछ मसाले नहीं डालते हैं, बस बेसन में नमक मिर्च हल्दी डाल के उसकी फुल्कियाँ सी बना के ना वो कढ़ी में डालते हैं, तो वो तो खैर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। कम से कम प्याज ज़रूर होने चाहिए, भले आलू डालें ना डालें, लेकिन अगर आलू भी हो तो वो भी अच्छे लगते हैं। खैर, यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी ऐड कर लिया, और यहाँ पे पानी डाल के ना अच्छा सा बैटर बना के ना मैं रख लूँगी। आजकल सर्दियां है ना, तो पकोड़े हमने बनाए ही नहीं थे बिल्कुल इन सर्दियों में, तो मैंने कहा चलो पकोड़े भी हो जाएंगे साथ में कढ़ी भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा मैंने बैटर जो है वो ज़्यादा बनाया है पकोड़ों का। मैंने कहा चलो थोड़े से खा भी लेंगे और वो भी हो जाएगा, कढ़ी में भी चले जाएंगे, बस थोड़ा सा रेस्ट आ जाएगा, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। इनको फ्राई करती हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा आपको मौसम दिखा दूँ। आज इतना ज़ालिम मौसम बना हुआ है ना, ये देखें बिल्कुल बादलों से ढका हुआ है आसमान, लगता है जैसे बारिश हो गई। अच्छा भी लगता है ये मौसम, लेकिन सर्दी बड़ी लगती है, एकदम सर्दी बहुत हो जाती है। सोनी ए चावे, आप सोच होंगे पता नहीं मैं तैयार क्यों हुई हूँ, तो मैंने भी जाना है बाज़ार, मुझे थोड़े से काम है वो करने, मुझे थोड़ी देर तक मैं जाऊँगी इंशाल्लाह बाज़ार, और लेकिन मैं खाना बना के ही जाऊँगी। आप सोच रहे होंगे कि इतना मेकअप करके ये बंदी बाज़ार जा रही है, तो असल में मैंने मेकअप थोड़ा सा डार्क ही कर लिया था। मैंने जो वीडियो में देखा, मैंने कहा इतना ज़्यादा कर लिया, क्योंकि अंदर अंधेरा तो मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन वो फिर मैंने बाद में हल्का कर लिया था, और किचन में काम करते करते वैसे ही हल्का हो जाता है। मेरा मेकअप टिकता ही नहीं है, मेरी तो लिपस्टिक उड़ जाती है, मेरा ब्लश ऑन उड़ जाता है, मेरा काजल फैल जाता है, मेरे चेहरे पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं टिकता, लाइट हो जाता है थोड़ी देर बाद ही, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना होना।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना पकोड़े अब फ्राई कर लिए हैं और साथ में हमने थोड़े से खाए भी थे और बाकी मैंने फ्राई कर लिए थे कढ़ी के लिए। अच्छा जी, मैंने जैसे ही पकोड़े बना के रखे थे और कढ़ी भी पक पक के काफ़ी देर पकी थी, देखिए कितनी नीचे आ गई, कितनी ऊपर थी कितनी नीचे आ गई है। तो अब मैं इसमें पकोड़े डाल दूंगी और इसको फिर ना मैं थोड़ी देर पकाती ज़रूर हूँ, हल्की आंच पे ना 15 से 20 मिनट ये पकोड़ों के साथ भी थोड़ी सी पकती है, क्योंकि अगर ये पतली होती है तो फिर गाढ़ी भी उसी टाइम हो जाती है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर तड़का और मैंने एक प्याज बारीक चॉप कर लिया था वो डाल दिया और ऑयल ना मैंने थोड़ा कम कर लिया था जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे। साथ ही मैंने सूखी लाल मिर्चें डाल दी थी और साथ ही लाल मिर्चें पीसी हुई भी डाल दी थी। बस ये तड़का हमारा लग गया और धनिया भी मैंने ऊपर डाल दिया था, बड़ा मज़े का लग रहा था। और जी, मैं यहाँ पे आई थी अपनी कुछ एक दो पेमेंट्स लेने और मुझे यहाँ पे टेलर को कपड़े देने थे जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल टाइप ड्रेसेस बनाते हैं, शादियों के बनाते हैं ना, उनके पास आई थी। ऑलरेडी इनके पास कपड़े कुछ बन रहे हैं मेरी बेटी के और मज़ीद अब मुझे कुछ देने थे। तो हुआ मेरे साथ यूं कि जैसे आपने टाइटल में देखा होगा कि मेरा ना 8-9 महीने हो गए मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया था और मुझे नहीं पता वो कहाँ था। मैंने पूरे घर में ढूंढा, हर जगह मैंने ढूंढा, मुझे आईडी कार्ड बिल्कुल नहीं मिला। अब मुझे था कि आईडी कार्ड तो मेरा गुम है तो शायद कुछ मिल जाए। 1-2 महीने गुजर गए, फिर मेरे भी बिल्कुल जहन में उतर गया और मुझे फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ी आईडी कार्ड की। लेकिन मैं आईडी कार्ड के बगैर इतने महीने रही और फिर मैं बनवाने भी ना गई। मैंने कहा चलो आज बनवाती हूँ कल बनवाती हूँ। 1-2 दफ़ा प्लान भी बना कि मैं किसी के साथ, रोमान के साथ जाके या हस्बैंड के साथ जाके बनवाऊँ आईडी कार्ड, लेकिन मैंने नहीं बनवाया। आज मैं इधर पेमेंट्स लेने आई थी ऑफिस में, मतलब जो होते हैं वेस्टर्न यूनियन वगैरह के ऑफिस, तो वहाँ से लेने आई तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा आपके पास मेरा आईडी कार्ड तो नहीं रह गया? उन्होंने कहा कि आपको कितना टाइम हो गया? मैंने कहा मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप बताएं कि अगर है तो आप चेक कर लें। उन्होंने कहा एक मिनट रुके हम देख कर बताते हैं। उन्होंने कहा आप बैठे हम चेक करके बताते हैं। तो मैं ऐसे 5-10 मिनट बैठी, उसके बाद वो आई डी कार्ड लेकर आ गए। मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, ज़ाहिर आई डी कार्ड है, प्राइवेसी होती है सबकी। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, क्योंकि आई डी कार्ड ना हो ना इसकी बड़ी, क्योंकि इसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना, इसकी बड़ी परेशानी होती है। तो शुक्र अल्लाह का मुझे आई डी कार्ड मिल गया। हम आए हुए हैं जी कैंट और सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाजार है, मुझे सही नहीं लग रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, वीडियो बंद कर देती हूँ। और जी उसके बाद बाज़ार में फिरते फिरते भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। कैंट से ना हम लोग ब्रांड रोड पे आ गए थे तो यहाँ पे आज हमारा दिल हुआ बड़े टाइम के बाद कि चलो KFC चलते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे KFC, यहाँ पे बैठे हैं और मैंने कहा मैं आपके लिए वीडियो भी बना लूँ। बहुत टाइम हो गया था हमें यहाँ पर बैठ के खाए हुए, वैसे तो लेते रहते हैं टेक अवे तो करते रहते हैं, लेकिन डाइन इन किए हुए बड़ा टाइम हो गया था। तो यहाँ पर हमने बैठे हैं और यहाँ पर 4 पर्सन वाली डील थी, हमने वो मंगा ली थी क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे और मतलब रोमान तो फिर बाद में भी आ गया था ना। तो फिर अब लोग हम लोग यहाँ पे बैठे और यहाँ पे मुझे 2-3 सब्सक्राइबर भी मिले हैं, बहुत शुक्रिया उनके प्यार का। तो बड़े प्यार से लोग मिलते हैं, पहचान लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ना मैंने मंगवाई थी कड़क चाय। इन्होंने पूछा कि भाई कड़क चाय हो या कार्डमम टी हो, मैंने कहा चलो सर्दियाँ हैं तो कड़क चाय मंगवा लेते हैं, अच्छी होगी। लेकिन बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, इतना अजीब सा टेस्ट था ना। और वैसे भी ये जो पाउडर मिल्क वाली होती है चाय, इसका या तो आदत पड़ जाए तो पड़ जाए, ना पड़े तो फिर ये अच्छी भी नहीं लगती पीने में ना। वही अपनी घर की कड़ी हुई चाय का असल चाय होती वही है, मज़े की लगती वही है चाय। और जी यहाँ पे अब मैं आई थी सना सफीनास पे, बहुत अच्छे अच्छे सूट्स थे यहाँ पे, बहुत अच्छी सेल भी लगी हुई थी। तो अच्छी बात है कि अगर आपको महंगे इतने कपड़े और अच्छी सेल पे मिल जाएं, कम प्राइस पे थोड़े मिल जाएं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो
तो यहाँ पे मैंने किसी के लिए गिफ्ट भी लेना था वो भी लिया, और एक आध मैंने भी लिया, एक आध शाजी ने भी सना सफीना से लिया। और मैं उसके बाद आ गई थी घर, तो जैसे घर आई तो इसकी ना मेरी बेटी की स्टडी टेबल मैंने ऑर्डर की हुई थी वो आज आ गई थी, तो मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड थी, आते ही उसने खोला है, तो अभी मैं फिर खोल रही हूँ। अच्छा ये वाली जो स्टडी टेबल है ना, मैं आपको एंड में इसके लुक भी दिखाती हूँ। ये उसको इंस्टॉल करना खुद पड़ता है, साथ में पेज वगैरह होते हैं। दराज से मैंने मंगाई थी तकरीबन 9,000-9,500 की मैंने मंगवाई है, लेकिन यकीन करें इसके पेज एक से दूसरा लग ही नहीं रहा था। फिक्स तो किसी तरह कर लिया है, अभी भी एक दो पेज जो है ना वो लगे ही नहीं अंदर। तो ये इनकी मतलब हरकत है कि इतनी महंगी चीज़ भी मंगाओ और पेज भी इसके कम हो। बहरहाल जी, ये थी मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।